सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। और कार्यालय के उद्घाटन में हम सबके लिए चार सब कार्यकर्ता बंधु मैं सुनता हूँ सारी बातें आप सबके सामने रख दी कि आप सब जहां भी क्षेत्र में वोट मांगने जाएंगे पिछले 10 साल का लेखा जोखा कई बार बात आती है। पूरा जिला में जो काम हुए वो पूरे पीछे गाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमें पता है। लेकिन अगले मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से हमारे पीने का पानी काफी डिले हुआ है, डिले होने के कारण सिर्फ 1 से 5 साल हमारी सरकार नहीं थी, उसकी वजह से काफी लंबा टाइम हो गया। आज से 3 साल पहले करीब 30,000 करोड़ रुपए हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश को दे दिया था, लेकिन प्रदेश की मंशा ठीक नहीं थी और न ही वो काम कराना चाहते थे। अभी चुनाव से करीब 2 महीने पहले उसका टेंडर हुआ। आज मैं भरी सभा के बीच में कह रहा हूं कि अब ज्यादा लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मानपा के विधायक माननीय पीएचडी मंत्री चौधरी कृष्णनाथ चौधरी हमारे मंत्री हैं और जिस हिसाब से पिछले 3 महीने में उन्होंने काम का जो गंभीरता से देखा है तो मैं समझता हूं आधी जगह तो 6 पाइप पड़े हुए हैं, आधी जगह पाइप जुड़े नहीं है, ठेकेदारों ने 90% पेमेंट कर दी गई है। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर पूरे जिले के अंदर में पीने का पानी व्यवस्थित होगा, हर घर को आपका विषम का पानी आएगा। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं क्योंकि आप बजट भी है और नीति भी हमारी सही है। हमारी भजरा जी के नेतृत्व में हम समझते हैं कि सारे काम धरातल में होते दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉक में मैं खड़ा हूं तो हम जिले की मैं बात करूं साथियों, आने वाला टाइम वो होगा टॉप जिले का कि जिस हिसाब से 13 जिले इसमें लिए गए हैं, आप मान के जरूर आज टॉप यह होता है कि फैक्ट्री सरसों पैदा होगी, ये कोई चढ़े टॉप में पैदा हो गए। आज मान के जरूर ईआरसीपी लागू होते ही जिस हिसाब से पानी की हमारे यहां दावत होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके सामने इस सतह का मान करीब करीब कंप्लीट है। और जब भी कोई जयपुर से कोटा जाएगा तो अभी बनारस नदी के पास रुक के जाएगा और जो कोटा से जयपुर आएगा तो अब ये नदी अगले 1 साल में आपको आगे तक भरी दिखाई देगी। जब नदी भरेगी तो मैं समझता हूं हमारे डीवाई पीपलू का पानी का वाटर लेवल भी ऊपर आएगा, हमारे आधे ट्यूबवेल रिचार्ज हो जाएंगे और ट्यूबवेल लगने लगेंगे। और मैं समझता हूं ईआरसीपी लागू होते ही मैं आज वो बात कह रहा हूं जो आज से 5-7 साल पहले मैंने कभी 2015 कही थी कि जिस हिसाब से मैं क्षेत्र में घूमता था तो मैं ज्यादा ही पूछता था कि पंचायत में कितने घर हैं, कि 1200 घर, मैं कच्चे मकान कितने हैं, कि 500, मैं 1200 शौचालय मंजूर, कोई मान्य पंचायत नहीं था, मैं 500 घर मंजूर। आज भरी सभा के बीच में कह रहा हूं कि सारे शौचालय बन गए, 55,000 मकान आपको बना के दे दिए। अगले 1 साल के अंदर अंदर मोदी जी की गारंटी है कि एक भी कच्चा मकान क्षेत्र में नहीं रहेगा, कार्यकर्ता बंधु ये मोदी जी का राज है। आज के बाद में जो भी चाहे जरागाम में हो चाहे सवाई चक में हो उन सबका समाधान करके ना कोई जाति देगी ना धर्म देगा, सबको बराबर सम्मान दिया है और एक एक आदमी का पक्का मकान देने का वादा हम सबका है। जिस हिसाब से यह चीज लागू होगी ये सारी चीज हमें सपने नहीं साक्षात दिखाई देने जा रही है। साथ ही मैं आप देख रहा हूं कि आज से पहले हमने कभी नहीं सोचा था जिस हिसाब से 65 साल ये टॉप की रेल को करते करते 65 साल हो गए, 65 साल बाद में याद दिखाऊं कि आप सबके नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और अब माननीय अशोक गहलोत के नेतृत्व में आज 100 करोड़ रुपए लागू हो गए। मैं समझता हूं अगले 2-3 साल के अंदर में रेलवे चलते हुए बता दूंगा आप सबके सामने जो बहुत लंबा मुद्दा था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिस हिसाब का शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं, खाली घोषणा नहीं करते, ये आप आम जन को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री कहा है कि पहले 100 दिन सरकार वो फैसले लेगी जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम भले से जानते हैं कि मोदी जी को आम आदमी नहीं
लेते हैं पूरे विश्व में। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।